वेलकम फ्रेंड्स टू एसजे मोटर्स। आज हम मैक्सिमा जेड बजाज आई सीरीज की एक और अच्छी खासी ऑटो रिक्शा है, उसका रिव्यू करेंगे। इंजन सेम रहेगा मगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा चेंज है। तो क्या क्या है फीचर्स वो आपको मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। और जस्ट एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, इसी तरह का कंटेंट पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ एक वीडियो लेके आऊँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और कोई भी नई गाड़ी की न्यूज़ सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर को मिल जाएगी ऑटो इंडस्ट्री की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। यह है मैक्सिमा जेड, तो स्ट्रक्चर वाइज थोड़ी बड़ी है, इंजन सेम रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका 360 व्यू दिखा देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है। ये ऑटो रिक्शा आपके उबड़ खाबड़ रास्ते पर और लंबी दूरी, अगर एक सिटी बड़ी सिटी है तो इसकी लंबी दूरी आसानी से कंफर्टेबली पैसेंजर को लेके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसमें तीन लोगों को बैठने की पैसेंजर की बैठने की कैपेसिटी है, प्लस इसके पीछे थोड़ा सा बूट स्पेस भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप ये कवर को भी ऊपर करके एक्सेस कर पाओगे। और माल सामान थोड़ा बहुत पैसेंजर के साथ होगा तो वो आप इसमें कैरी ऑन कर पाओगे। इसका बिल भी थोड़ा बड़ा मिलेगा कंपेयर टू आरी जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखी है, अगर नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो। इंजन कैपेसिटी सेम रहेगा। सबसे पहले आपको डीजल इंजन में दिखा देता हूँ। डीजल इंजन 417.5 सीसी का मिलेगा जो पावर निकालेगा 7.1 किलोवाट का। ऑयल कूल्ड इंजन रहेगा, 8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगा। ड्राई सिंगल ब्लेड क्लच रहेगा, सीवी टाइप का शाफ्ट रहेगा। और माइलेज 35-40 किलोमीटर पर लीटर का निकाल के देगा। अब इसमें सीएनजी वेरिएंट आ रहा है जिसमें पेट्रोल इंजन रहता है, उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी इंजन कैपेसिटी रहेगी 236.2 सीसी। मैक्सिमम पावर निकलेगा 6.74 किलोवाट का। ये इंजन भी ऑयल कूल्ड इंजन रहेगा और सीएनजी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर की हो जाएगी, जबकि आपको आरई में 30 लीटर की मेरे ख्याल से मिल रही है, तो 10 लीटर ज़्यादा हो जाएगी, आपकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी। वेट मल्टीप्लेट टाइप का क्लच मिलेगा, सीवी सॉफ्ट टाइप का ड्राई सॉफ्ट मिलेगा। एलपीजी की बात करें तो सेम इंजन रहेगा आप जो पेट्रोल सीएनजी में देखा है, वो पावर भी सेम प्रोड्यूस करेगा, ऑयल कूल ही रहेगा, मगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगी 20.6 लीटर की। ये सेम रहेगी मेरे ख्याल से आरी के साथ, सिर्फ आपको सीएनजी वर्जन में इंक्रीज हो जाता है। क्लच और ड्राइव सॉफ्ट भी सेम रहेगा। इसमें आपको तीन कलर मिल जाते हैं, आपने ये पहला कलर ग्रीन देख लिया और दूसरा कलर ये वाला भी देख लिया मेरे ख्याल से, जो डीजल में ही अवेलेबल है। यहाँ पर इसके हैंड ब्रेक मिल जाती है। इंटीरियर पूरा रीडिजाइन किया हुआ है, लेग स्पेस भी अच्छा खासा है। पीछे इसका रियर में इंजन आ जाता है, डीजल की टंकी इधर से आप रिफिल करवा पाओगे, और सीट के नीचे बैटरी बॉक्स रहेगा जो सेफ रहेगा, आपकी बैटरी आसानी से कोई निकाल नहीं पाएगा। ये गाड़ी में प्लस पॉइंट ये है कि हेडरूम अच्छा मिलता है, बीच अच्छी खासी है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है। यानी मानसून की सीजन में अगर बारिश के मौसम में आप थोड़ा बहुत रोड पर पानी भी है तो पैसेंजर को पानी अंदर तक नहीं महसूस होगा, उड़ेगा नहीं, छींटे नहीं उड़ेंगे, और तीन लोग आसानी से कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादातर पैसेंजर कंफर्टेबल ऑटो रिक्शा प्रिफर करते हैं रादर छोटी ऑटो रिक्शा, ज़्यादा होंगे तो एक दो होंगे तो वो इसको ही प्रीफर करेंगे, मगर बड़ी फैमिली है कि एक बच्चे छोटा है तो उसको हाथ में लेके भी बैठ के चार लोग जा सकते हैं। और दूसरी बात, ये ऑटो रिक्शा चलेगी आपकी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बड़ी मार्केट है जहाँ पर लोग जाते हैं सामान के साथ और आते भी सामान के साथ हैं,
तो वो रूट पर ये ऑटो रिक्शा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा पैसेंजर्स का। तो आप ये ऑटो रिक्शा अगर कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो और आपकी सिटी में उस तरह का माहौल है, रेलवे स्टेशन बड़ा है, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रहता है, बस स्टेशन में भी ट्रैफिक अच्छा खासा मिलता है, तो आप ये रिक्शा को कंसिडर कर सकते हो। तो ये है कुछ इसकी गैलरी, इसमें हेडरूम अच्छा खासा मिल रहा है रियर पैसेंजर को, विजिबिलिटी भी ड्राइवर की अच्छी है, आगे एक आपको वाइपर भी मिल जाता है, इंडिकेटर का प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, नहीं तो साइड में इधर आता था पहले, अब इसको अच्छी तरह ऊपर कर दिया है, जो मैकेनिकली आप इसमें कुछ भी फेलियर होता है तो इजीली एक्सेसिबल रहेगा। बाकी की सारी स्पेसिफिकेशन सेम है, बस जो फर्क था वो मैंने आपको बता दिया है। और इसकी माइलेज की बात की है तो मैंने आपको पहले बताया 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के देगी। सीएनजी में आपकी 27 के आसपास का सीएनजी एलपीजी में माइलेज निकाल के देगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो एक शोरूम प्राइस 1,90,000 के आसपास का मिलेगा ये गाड़ी का। और आप नज़दीकी शोरूम में या डीलर के पास जाके एग्जैक्ट प्राइस आप अपने हिसाब से तपास कर सकते हो। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो, और अब दूसरी वीडियो के साथ जल्दी वापस आने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइए। और किसी भाई को भी ज़रूरत है ऑटो रिक्शा सर्च कर रहा है नहीं, तो ये मेरा वीडियो उसके साथ शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।